नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्लाउड्स के बारे में यहाँ पे जल्दी से बात कर लेते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स यहाँ पे समझना बाकी है, बाकी तो मैं क्लाउड्स कैसे बनते हैं ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ। एक बार थ्योरी देख लेते हैं छोटी सी। क्लाउड इज अ मास ऑफ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स और टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ आइस फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर इन फ्री एयर एट कंसिडरेबल एलिवेशन। मतलब अच्छी खासी ऊंचाई पे। चूंकि देखिए, जब ड्यू की बात कर रहे थे, फ्रॉस्ट की बात कर रहे थे, मिस्ट की बात कर रहे थे, फॉग की बात कर रहे थे, स्मॉग की बात कर रहे थे, तो ये काफ़ी हद तक ग्राउंड लेवल के पास हो रहा है। लेकिन अब आप ग्राउंड लेवल से कई किलोमीटर ऊपर चले जाओ, 3-4 किलोमीटर, 6-7 किलोमीटर या 8 से 12 किलोमीटर। यहाँ देखिए, सरस क्लाउड का 8 से 12 किलोमीटर साफ साफ दिख रहा है, 8,000 मीटर से 12,000 मीटर। तो जब आप अच्छी खासी ऊंचाई पर चले जाते हो ग्राउंड लेवल से, वहां पे जो कंडेंसेशन के चलते क्लाउड बनते हैं, और उस क्लाउड में भी कभी कभी क्रिस्टल ऑफ आइस पाए जाते हैं। तो एक तो कंसीडरेबल एलिवेशन मतलब अच्छी खासी ऊंचाई, किलोमीटर्स में ऊंचाई। और उसके बाद ये जो क्लाउड बनते हैं, जरूरी नहीं कि क्लाउड में सिर्फ वाटर वेपर होगा, उसमें आइस क्रिस्टल्स भी हो सकते हैं। तो वाटर वेपर और आइस क्रिस्टल्स दोनों मिलते हैं आपको क्लाउड्स में। तो ये क्लाउड्स काफी ऊंचाई पे बनते हैं और इसमें वाटर वेपर भी होता, मतलब वाटर वेपर मतलब पानी के ड्रॉपलेट्स। वाटर वेपर तो कंडेंसेशन होने के बाद ही क्लाउड्स बनेंगे। तो वेपर कंडेंसेशन होगा तो भाई, अगर फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर कंडेंसेशन होगा तो बनेंगे आपकी पानी की ड्रॉपलेट्स, और फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे होगा तो बनेगी आपकी आइस। अब ये पानी की ड्रॉपलेट्स और आइस जब आपके आसमान में तैरती रहेंगी, ये बन जाएंगी क्लाउड्स। जी हाँ, ये आसमान में तैरती रहती हैं। जब ग्रेविटी एक लिमिट से ज़्यादा इनको खींचेगी, तब ये नीचे गिर के बारिश करेंगी, वो प्रेसिपिटेशन में हम लोग देखेंगे। अब ये जो क्लाउड्स हैं, इनके बहुत अलग अलग प्रकार के शेप हैं। अब ये शेप हाइट के हिसाब से भी हैं, एक्सपेंस मतलब कितना फैले हैं, क्लाउड की डेंसिटी क्या है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, ओपेकनेस क्या है, इसके हिसाब से कुछ ग्रुप्स में यहाँ पे क्लाउड्स को डिवाइड किया गया है। देखिए, इन ग्रुप्स में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम चांसेस है कि इन क्लाउड्स के नाम को लेके कोई आपसे MCQ पूछा जाए। अब देखिए, अगर आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल लेके आप मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर हाँ, अगर आप 11th क्लास में पढ़ रहे हो, 11th क्लास के पर्सपेक्टिव से, 11th क्लास के रिटन एग्जाम, सब्जेक्टिव एग्जाम्स के बेसिस पे आप मेरी वीडियो पढ़ रहे हो, तो भाई डेफिनेटली आपको सरस, क्यूमुलस, स्ट्रैटस, निम्बस के फिगर्स और डेफिनेशन रटनी पड़ेगी। बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो शायद ही आपसे पूछा जाए, क्योंकि सीधे सीधे जल्दी सवाल बनते नहीं इस पे। सिरस, कमलस, स्ट्रेटस, निम्बस, एक एक करके देख लेते हैं क्या है। पहला आता है सिरस। बहुत हाई एल्टीट्यूड पे बनते हैं, 8,000 से लेके 12,000 मीटर की इनकी ऊंचाई होती है। थिन और डिटैच क्लाउड्स हैं, फेदरी अपीयरेंस है और हमेशा वाइट होते हैं। फेदरी अपीयरेंस मतलब है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चिड़िया के फेदर्स होते हैं, बर्ड्स के फेदर होते हैं, तो वो फेदर वाला टाइप का कुछ पैटर्न निकल के आता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सिरस क्लाउड्स। ओके, ऊंचाई पे आप देखिए किस तरीके के zigzag शेप में, जैसे आपके चिड़िया के पंख होते हैं ना, कुछ इस प्रकार के नजर आ रहे हैं। तो फेदरी अपीयरेंस है, हमेशा वाइट होते हैं और काफी पतले हैं और डिटैच्ड हैं, मतलब एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़े हुए क्लाउड्स नहीं दिख रहे हैं आपको, काफी डिटैच दिख रहे हैं, इधर उधर फैले हुए हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाएगा, सिरस क्लाउड्स। बहुत ऊंचाई पे मिलते हैं, 8,000 मीटर से 12,000 मीटर की ऊंचाई पे मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्यूमुलस की। क्यूमुलस कॉटन वूल की तरह दिखता है। कभी कॉटन वूल की तरह दिखता है, सबसे ईजी है ये, देखिए कॉटन वूल की तरह, रुई भी आपको ऐसी दिखती है, तो रुई के हिसाब से आपको ये क्यूमुलस क्लाउड्स दिखते हैं। अब क्यूमुलस क्लाउड की जो सबसे खास बात, अगर आप देखोगे, आप इनके बेस को देखो, बेस इनका फ्लैट है, मतलब ऊपर की तरफ तो आपको रुई दिख रही है, पर नीचे ऐसा लग रहा है जैसे कोई थाली पे परोस के रखा गया है इस क्लाउड को। यहाँ पे देखो, बेस फ्लैट है। तो क्यूमुलस क्लाउड की खासियत होती है इसका बेस फ्लैट होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक और लॉजिक बन जाता है कि सर ऐसी शेप में बन क्यों रहे हैं, ये तो बता दो। तो अब इसके लिए तो भैया बिल्कुल ही क्लाइमेटोलॉजी में घुस जाओ, ठीक है ना, एकदम ही थीसिस कर लो, MA PhD कर लो क्लाइमेटोलॉजी में, तो इन सब क्वेश्चंस के आपको जवाब मिल जाएंगे। यहाँ पे एज अ जर्नलिस्ट इतनी जरूरत नहीं है, चाहे 11वीं कक्षा में पढ़ो, चाहे UPSC के लिए तैयारी करो। इनफैक्ट ऑप्शनल वाले भी इतना पढ़ते होंगे, मुझे पता नहीं कि मतलब क्यूमुलस क्लाउड्स का जो बेस है वो फ्लैट क्यों है, उस लेवल की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पे चाहिए नहीं आपको, बताई भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। अगर मैं ढूंढ दौड़ के आपको बता भी दूँ, कोई मतलब नहीं इस तरीके से, तो भैया फिर लाखों क्वेश्चंस निकल आएंगे ज्योग्राफी में, सबका जवाब ही ढूंढते रह जाओगे। तो क्यूमुलस क्लाउड्स कॉटन वूल की तरह दिखते हैं। इनकी जो ऊंचाई है वो 4,000 मीटर से लगभग 7,000 मीटर की, पैचेस में पाए जाते हैं। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं दिख रहा है आपको क्यूमुलस क्लाउड, अलग अलग हवा में तैरता हुआ नजर आ रहा है, फ्लैट बेस है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, स्ट्रैटस की। तो क्या लिखा हुआ है,
एज देयर नेम इम्प्लाइज दीज आर लेयर्ड क्लाउड्स कवरिंग लार्ज पोर्शंस ऑफ द स्काई. दीज क्लाउड्स आर जनरली फॉर्म्ड आइदर ड्यू टू लॉस ऑफ हीट और मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस विद डिफरेंट टेम्परेचर्स. क्या बोला जा रहा है भाई, लेयर क्लाउड्स एक लेयर में बहुत बड़े इलाके में फैले हुए, मतलब लार्ज पोर्शंस ऑफ स्काई में एक लेयर की तरह ये फैले हुए. लेयर होता है ना कि भाई बर्गर में नीचे एक पैटी की लेयर, उसके ऊपर चीज़ की लेयर, उसके ऊपर प्याज टमाटर की लेयर, बिरयानी में पहले राइस की लेयर, फिर आधा कुक्ड चिकन की लेयर, फिर उसके बाद हाफ कुक्ड चिकन, इस तरीके से लेयर्स बनती है. उसी प्रकार से आसमान के एक बहुत बड़े इलाके में लेयर की तरह फैले हुए हों आपके क्लाउड्स, इसको आप स्ट्रेटस क्लाउड्स बोलते हो. अभी देखो, अभी जो लेयर की तरह क्लाउड्स फैले हुए हैं, अगर वो क्यूमुलस क्लाउड्स हैं तो स्ट्रेटो क्यूमुलस हो जाएगा. समझ गए ये क्यों मानते हैं? तो दे आर फॉर्म्ड आइदर ड्यू टू लॉस ऑफ हीट और मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस विद डिफरेंट टेम्परेचर. तो अलग अलग टेम्परेचर के एयर मासेस, मतलब आप समझ सकते हो कि ये जो स्ट्रेटस क्लाउड्स हैं फ्रंटल इलाकों में बनते होंगे. फ्रंटल इलाके टेम्परेट साइक्लोन्स जहाँ पे आते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जिनको बोलते हैं, वहाँ पे अलग अलग एयर मासेस, मतलब कोल्ड एयर मास हॉट एयर मास से मिलेगा. तो ये लिखा हुआ है भाई, एयर मासेस अगर डिफरेंट टेम्परेचर्स के मिल रहे हैं तो वहाँ पे स्ट्रेटस क्लाउड्स आपको मिलेंगे, या फिर लॉस ऑफ हीट की वजह से स्ट्रेटस क्लाउड्स बनते हैं. ठीक है, तो स्ट्रेटस क्लाउड आपको पता चलेगा. फाइनली निम्बस क्लाउड. लिम्बस क्लाउड आपके ब्लैक होते हैं, डार्क ग्रे होते हैं, तो दे आर एक्चुअली ओपेक, लाइट उनसे ज़्यादा क्रॉस नहीं कर पाएगी. तो अगर आपके आसमान में है ये ब्लैक और डार्क ग्रे क्लाउड्स, तो भाई लाइट को इस ज़मीन तक नहीं आने देंगे, कहीं ना कहीं सनलाइट को रोक लेंगे. हालांकि सनलाइट को बहुत सारे क्लाउड्स रोक देते हैं, सफ़ेद क्लाउड भी काफ़ी हद तक रोक देते हैं, लेकिन जो निम्बस क्लाउड्स होते हैं वो खासा एक्टिव होते हैं सनलाइट को ग्राउंड तक पहुँचने से रोकने में. ये थोड़े मिडिल लेवल पर पाए जाते हैं, ये अर्थ की सरफेस के पास पाए जाते हैं. बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं ये, और दे आर ओपेक टू द रेज ऑफ द सन. ठीक है, समटाइम्स द क्लाउड्स आर सो लो दैट दे सीम टू टच द ग्राउंड. ओके, निम्बस क्लाउड्स आर शेपलेस मासेस ऑफ थिक वेपर. शेपलेस मासेस हैं, थिक वेपर है इनमें, और इनसे रेज ऑफ द सन क्रॉस नहीं हो पाती. वाइट क्लाउड से फिर भी थोड़ी बहुत हो जाएगी, इनसे नहीं हो पाएगी. अब दो यहाँ पे दिखाएंगे, फिगर 11.1 और फिगर 11.2. ठीक है, ये कौन कौन से क्लाउड्स हैं? ये वाला तो साफ साफ है, आपको क्यूमुलस नजर आ रहा है. चलिए मैं जवाब ही देता हूँ. ये तो साफ साफ क्यूमुलस क्लाउड्स दिख रहा है, बिल्कुल रूई की तरह दिख रहा है. और अगर आप इसकी बात करोगे तो ये आपको नजर आ रहा है निम्बस क्लाउड. देखिए, अर्थ की सरफेस के बहुत पास है, और दूसरा बिल्कुल घना है, तीसरा इसने सनलाइट को ग्राउंड तक पहुंचने से रोकती है. तो सिंपल एक्सप्लेनेशन था, तो मैंने ही आपको दे दिया. नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई ये जो चार तरीके क्लाउड्स बताए, सरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस और निम्बस, इनके अगर आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बना देते हुए तो बहुत अलग अलग तरीके के क्लाउड्स मिल जाएंगे. जैसे हाई क्लाउड्स में, हाई क्लाउड्स मतलब जो बहुत ऊंचाई पे मिलते हैं, तो सरस मिल जाएगा, सरो स्ट्रेटस मिल जाएगा, सरो क्यूमुलस मिल जाएगा. फिर मिडिल क्लाउड्स में आ जाते हो आप, तो मिडिल क्लाउड्स में आपको एल्टो स्ट्रेटस, एल्टो क्यूमुलस मिल जाएगा. लो क्लाउड्स में आते हो आप, तो स्ट्रेटो क्यूमुलस, निम्बो स्ट्रेटस मिल जाएगा. फिगर के थ्रू थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, अब इसको रट लो यार, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. वही है कि भाई अलग अलग चार के जो कॉम्बिनेशन आपने बना दिए, तो स्ट्रेटस क्लाउड्स का और सरस क्लाउड्स का आपने मतलब जब पैटर्न बना दिया तो सरो स्ट्रेटस बन गया. ठीक है, तो सरो स्ट्रेटस क्या है? स्ट्रेटस क्या है? स्ट्राटा में थे, तो स्ट्राटा में फेदरी वाले आसपास बहुत लंबे इलाके में फैला दो, तो सरो स्ट्रेटस हो गए. अब जहाँ पे सरो आ गया, सरस क्लाउड्स वैसे मैंने आपको बताया कि 8 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं, तो जहाँ पर भी सरस आ जाएगा वो ऑटोमेटिकली हाई एलिवेशन पर पहुँच जाएंगे. तो ये जो कीवर्ड है सरस या सरो, CIRRO, ये जहां पे भी आ रहा है वो क्लाउड्स ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा ऊंचाई पे होंगे. इसको चाहो तो आप याद कर लो. ठीक है, उसके बाद मिडिल क्लाउड को आप अल्टो स्ट्रेटस या अल्टो क्यूमुलस भी बोलते हो. तो ये जो अल्टो नाम का शब्द है ये मिडिल हाइट के साथ जुड़ा हुआ है. और सिमिलरली लो क्लाउड्स को आप स्ट्रेटो क्यूमुलस और निम्बो स्ट्रेटस भी बोलते हो. तो लो क्लाउड्स में निम्बो स्ट्रेटस तो देखी होंगी. अभी निम्बस क्लाउड्स कौन से हैं? निम्बस क्लाउड्स वो हैं जो कि बहुत डार्क हैं, बहुत ग्रे हैं, अर्थ की सरफेस के बहुत पास हैं और सनलाइट को अर्थ की सरफेस तक आने से रोक देते हैं, तो निम्बस क्लाउड हो गए. और ये एक बहुत बड़े इलाके में फैला दो तो निम्बो स्ट्रेटस हो गए. सिंपल बात है. उसी प्रकार से स्ट्रेटो क्यूमुलस हो गए, तो रूई वाले क्लाउड्स को एक बड़े इलाके में फैला दो तो स्ट्रेटो क्यूमुलस हो जाएंगे. तो स्ट्रेटो क्यूमुलस, निम्बो स्ट्रेटस लो क्लाउड्स हैं, मिडिल क्लास. अब जहाँ पे अल्टो आ जाए वो मिडिल हो गए, और जहाँ पे सरस आ जाए वो हाई लेवल पे हो गए. लो क्लाउड्स में जहाँ पे निम्बो आ जाए तो वो लो में आ जाएंगे, और स्ट्रेटो क्यूमुलस आप याद रख लीजिएगा लो क्लाउड्स है. यहाँ पे दो और क्लाउड्स दे रखे, क्यूमुलस क्लाउड्स और क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स. क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स को मैंने बहुत ढंग से आपको दिखाया था थंडर स्टॉर्म में,
थंडरस्टॉर्म भी इतना डेंजरस था जो आपको ये क्लाउड का ये पूरा झोल फैला हुआ नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा आपका क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है। साइक्लोनिक रेनफॉल में भी इस प्रकार के बहुत से क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन जाते हैं। क्योंकि साइक्लोनिक रेनफॉल में मैंने आपको एक बात बताई थी कि देखिए क्लाउड्स अब ट्रोपोपॉज को पार करके स्ट्रेटोस्फीयर में तो जाएंगे नहीं, वो ट्रोपोस्फीयर में रुके रहेंगे। तो चूंकि वो ट्रोपोस्फीयर में रुके रहते हैं, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये साइक्लोन का सेंटर है, थोड़ा सा मैं और क्लीन बना देता हूँ, यहाँ पे मैंने गंदा सा खींच दिया इसको। मान लीजिए आपका ये साइक्लोन का सेंटर है ऐसे, इस साइक्लोन के सेंटर के पास बड़े बड़े आपके ये जो क्लाउड्स हैं कुछ इस तरीके से बन जाएंगे, ओके, इस प्रकार से, ओके, ये आपके क्यूमुलोनिम्बस हो गए। ये टेढ़े क्यों हो गए? टेढ़े इसलिए हो गए क्योंकि ये इतने बड़े थे क्लाउड्स, बिल्कुल पहाड़ जैसे ऐसे खड़े हुए थे, लेकिन चूंकि ये ट्रोपोस्फेयर क्रॉस नहीं कर सकते तो ये टेढ़े हो गए। तो आपके साइक्लोन्स में इस प्रकार के क्यूमुलस या कह लीजिए क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स बनते हैं। इनका बहुत इनकी सबसे खास बात यहाँ पे क्या है, इनकी सबसे खास बात ये है कि इनका एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट है। वर्टिकल डेवलपमेंट इनका एक्सटेंसिव है, बहुत लंबी ऊंचाई तक बहुत हाइट पे खड़े रहते हैं। तो एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट की वजह से इनको क्यूमुलो निम्बस कहा जाता है, ठीक है भाई। तो ये क्लाउड्स के टाइप से बहुत ही बेसिक वीडियो जल्दी से हमने खत्म कर ली। नेक्स्ट हम लोग पहुंचेंगे प्रेसिपिटेशन पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और अपने मैसेजेस भेजते रहिए, मुझे मौका मिलेगा मैं डेफिनेटली डिस्कस करूँगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको जो भी PDF होती है मेरे लेक्चर्स की वो मिल जाया करेगी, ठीक है। और harshidwivedi.com पे जाके डेली बेसिस पे आप करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।